लोहरदगा झामुमो जिला अध्यक्ष मोजम्मिल अहमद के नेतृत्व में जिला समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुभाष चौक पावर चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। मौके पर झामुमो के जिला अध्यक्ष मोजम्मिल अहमद ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बढ़ते लोकप्रियता देखकर बौखला गई है। भाजपा सरकार जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को कठपुतली बना जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को स्थिर करने एवं हेमंत सरकार को बदनाम करने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, यहां के जनता सब देख रही और समझ भी रही है कि और कह भी रही है कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी हथकंडे अपना सकती है। यहाँ के जनता केंद्र सरकार के गलत नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को देख सहन नहीं कर पा रही है भाजपा के केंद्र सरकार। आदिवासियों के प्रति भाजपा का दोहरा नीति आज राज्य के जनता के सामने है। भाजपा नहीं चाहती है कि कोई आदिवासी का बेटा राज्य में मुख्यमंत्री रहे। यही कारण है आज भाजपा सारे केंद्र के एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करने का चाल चल रही है, जिसे यहाँ की जनता कभी किसी कीमत में कामयाब नहीं होने देगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर भाजपा गलत नीति से बाज नहीं आती है तो उसके विरोध में उग्र आंदोलन करने के लिए भी झामुमो तैयार है। पुतला दहन जिला कार्यालय से निकलकर सुभाष चौक पावरगंज तक गया और वहां पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार अपना गलत नीति से बाज नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार आके वहां जो आदिवासी मुख्यमंत्री है जो राज चला रहा है, जो सबसे नजर में लोकप्रिय है, उसको बदनाम करने के चलते आपका तरह तरह का वहाँ झंडा अपना रहा है, जो कि वहाँ गलत है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आपका केंद्रीय सरकार में नरेंद्र मोदी के इशारे में हर एक कमेटी आती है और जाल फांस करके वहाँ आपका सीएम को बदनाम करने का काम कर रही है, जो कि गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज वहाँ उसके विरुद्ध में आज हम लोग वहाँ जुलूस निकाल के आज वहाँ पुतला दहन किए हैं। और अगर केंद्र सरकार अपनी आपका हरियल रवैया से बाज नहीं आती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा इसके ये में रही है और आगे भी वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी। और देखिए, यहाँ के भोले भाले जनता जानता है कि वहाँ यहाँ के जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जो राज कैसा चला रहे हैं, ये भाजपा वाला का जो चाल है वो चाल में नहीं आएंगे। और जितना तरह का ये काम करना चाहते हैं, जितना तरह का बदनाम करने में लगने दीजिए, यहाँ के जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी का जब से सत्ता यहाँ हाथ से छूटा है गया है, जनता यहाँ से जब से नकारा है, तब से बेरोजगार हो गया है और तरह तरह का वहाँ काम करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग जान चुके हैं, यहाँ के जनता लोग जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठा पार्टी है। इसलिए वो अपना वहाँ जो भी अपना अपना जाता अपनाते रहे। यहाँ का जनता सब समझती है, मुद्दा चलाए कुछों पर है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ का सारा जनता जान रहा है और अभी 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आने का सोचना भी नहीं है झारखंड। भाजपा कहती है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 में, जो गठबंधन की जो सरकार है उसको हार फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी का 10 सीट आने जा रहा है, बहुत मुश्किल से वो भी नहीं आएगा इस बार, क्योंकि झारखंड मुक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो भी गलत नीति है, जो भी नीति यहाँ के जनता जान चुकी है, इसलिए उसको सत्ता से बेदखल किया गया है और आने वाले समय में भी सत्ता से इसको बेदखल करने का काम करेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।